हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। तो मेरा नाम चेतना वर्मा है और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया यूनिट आपका लेकर आई हूं, आपकी MPS 03 का। MA पॉलिटिकल साइंस जितने भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनका एक यूनिट 8 है ये MPS 03 बुक का। तो विधायिका के बारे में इसमें पूरा दे रखा है आपको इस लेक्चर वीडियो में, और आपके चैप्टर में विधायिका के बारे में बताया है। विधायिका ये जो शब्द है ये हम कई बार पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, मतलब इसके बारे में, विधायिका के बारे में, इसके कार्यों के बारे में बहुत बार 12th में 11th में भी हम पढ़ते हैं। पर आज जो है MA पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर है ये विधायिका, मैंने उसके अकॉर्डिंग जो है पूरा लेक्चर वीडियो तैयार किया है। अगर आप MA पॉलिटिकल साइंस के जैसे स्टूडेंट हैं तो आपके सिलेबस में विधायिका से रिलेटिव क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या चीज़ें इसमें पूछी जाएगी उसको हमने शामिल किया। तो आपको जो है ये पूरा लेक्चर वीडियो एंड तक देखेंगे, और आपके चैप्टर में जो मास्टर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके इस चैप्टर में से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आपको जाननी चाहिए उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन पे मैं आपको जितने भी चैप्टर्स हैं आपके MA पॉलिटिकल साइंस के, BA के, ये सभी जो है मैं अपने चैनल पर डालती रहूँगी। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही में आपको पता चलता रहेगा कि आपके जो है चैप्टर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आज की वीडियो में पहले हम शुरू करते हैं विधायिका के बारे में जानेंगे। तो ये हमने शुरू से ही सुना है विधायिका जो है क्या कार्य होते हैं इसके, और ये क्या होती है। राज्य के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायिका। तो इसमें जो पूरा चैप्टर है आपका विधायिका के बारे में दे रखा है, तो इसके क्या कार्य हैं, इसके कितने भाग हैं और उनके क्या कार्य हैं, पूरे चैप्टर में आपको, इसमें छोटा सा चैप्टर है ये आपके MA पॉलिटिकल साइंस का MPS 03 का यूनिट 8 है, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी शामिल की गई हैं जो आपको उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनेगा। तो मैंने वही चीज़ों को यहाँ पे आपको बताया है। तो विधायिका यहाँ पे जो है कानून बनाती है ये हम सबको पता है, पर विधायिका को मतलब यूँ जाना जाता है कि ये जो है कानून बनाने का कार्य करेगी। पर कानून बनाना विधायिका का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके अलावा सदन में बहस, बहिर्गमन, विरोध प्रदर्शन और सर्वसम्मति और सहयोग आदि भी देखने को मिलते हैं। मतलब विधायिका का एक महत्वपूर्ण कार्य तो ये होता ही है कि वो कानून बनाएगी, पर इसके अलावा वो क्या करती है, जितने भी हमारे जो भी विचार हम रखते हैं, हमने कानून बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, और जितनी भी बहस होती हैं, बहिर्गमन होते हैं और विरोध प्रदर्शन होते हैं, वो सब हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, संसद में। तो विधायिका सिर्फ कानून बनाना ही उसका कार्य नहीं है, क्या चीज़ें लोगों के क्या विचार हैं और क्या चीज़ें हमें अपनानी चाहिए, कि सबकी सर्वसम्मति किसके ऊपर है, ये सब हम विधायिका में देखते हैं। तो विधायिका जो है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य के 3 अंग होते हैं पर विधायिका जो होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसमें इतने सभी कार्य जो है यहाँ पे शामिल होते हैं, तो इसमें ये सब कार्य को मिलते हैं और महत्वपूर्ण उद्देश्यों को ये सब पूरा करती है। तो यहाँ पर जो है विधायिका के क्या कार्य होते हैं ये हमने जान लिया, कानून बनाना और जितने भी मुद्दे हैं बहस के और सर्वसम्मति के, ये सब जो है विधायिका करेगी। पर यहाँ पे विधायिका के 2 अंग भी होते हैं। विधायिका जो है अपने आप में बहुत बड़ी होती है, और इसके 2 अंग होते हैं, वो होते हैं एक केंद्रीय विधायिका और एक राज्य विधायिका। तो केंद्रीय विधायिका भी जो है उसके भी 3 अंग होते हैं उसके अंदर, और इसमें जो है इसके मतलब पूरे केंद्रीय विधायिका के अंदर कौन कानून करेगा, कौन कार्य यहाँ पे करता है, तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति पहला होता है, और दूसरा होता है लोकसभा और राज्यसभा। बहुत बार हम जो है लोकसभा और राज्यसभा को यहाँ पे गिनते हैं, पर राष्ट्रपति के भी यहाँ पे जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है केंद्रीय विधायिका के अंदर। जो केंद्रीय विधायिका होती है इसे संसद हम कहते हैं, और संसद के अंदर ये 3 ही लोग मिलके जो है कार्य करते हैं, और जो भी कानून नियम बनता है उसमें ये 3 के बीच ही बांटा जाता है। तो राष्ट्रपति जो है यहाँ पे वो संविधान राष्ट्रपति को शासन करने की शक्ति देता है। राष्ट्रपति क्या करेगा यहाँ पे, शासन करेगा, और ये शक्ति उसको संविधान द्वारा यहाँ पे दी गई है। तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियाँ संविधान सीमाओं के अंदर प्रयोग कर सकता है,
उसको मतलब कुछ शक्तियाँ तो दी जाती हैं, पर वो जो है संविधान में कुछ ऐसे कानून नियम भी बनाए गए होते हैं कि वो उसके अंदर जो है उसकी शक्तियाँ सीमित होती है, सिर्फ एक सीमित मतलब एक लिमिटेशन उसके कानूनों पे लगाई गई है, उसके अंतर्गत ही वो अपनी शक्तियों को यहाँ पे यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति का भी एक जो है महत्वपूर्ण रोल होता है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे राष्ट्रपति को मतलब कहा गया है यही कि वो जो है अपने संविधान के अनुसार ही कार्य करेगा। अनुच्छेद 53 में जो है ये शामिल है कि भारत के राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार ही करना चाहिए। तो वो अनुच्छेद 53 में ये शामिल है कि राष्ट्रपति जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा तो होता है संसद का, पर वो जो है संविधान के अंतर्गत उसको जो शक्तियाँ दी गई हैं उसके लिए ही काम करेगा। दूसरा आती है लोकसभा। लोकसभा भी बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। इसमें जो है जो भी धन से रिलेटिव जो भी मुद्दे होते हैं वो लोकसभा देखती है। तो लोकसभा के सदस्य जो है वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, पर किसी कारणवश जो है इसको जो है बीच में से भंग भी किया जा सकता है इसको, अगर इसके मतलब किसी की सहमति नहीं बनती है, अगर लोकसभा के सदस्य पूरे नहीं होते हैं तो इसे जो है बीच में भी छोड़ दिया जा सकता है। तो लोकसभा को यहाँ पे भंग कर दिया जा सकता है और 5 वर्ष के लिए जो है ये इसके सदस्य चुने जाते हैं। और लोकसभा के जो भी वोट होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। प्रौढ़ मताधिकार यानी कि जो भी विकलांग है या जो भी अगर जिसके मानसिक बुद्धि जो है खराब है, इस तरह के लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से इसके सदस्य चुनेंगे। तो लोकसभा के जो यहाँ पे सदस्य चुने जाते हैं वो प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। और लोकसभा की विशेष शक्ति है सभी ये धन विधेयक को देखेगी और लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं ये सब सारे धन विधेयक। और इन्हीं में क्या है, ये लोकसभा ही सारी जो है सहमति देगा कि हमें कौन सा बिल पास करना है और कौन सी मतलब बिल की जो भी चीज़ें होंगी वो लोकसभा के अंतर्गत ही आएगी और ये अधिकार जो है केवल लोकसभा को यहाँ पे दिया जाता है। तो ये थे लोकसभा के कार्य। इसके अलावा राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा भी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण है। राज्यसभा का उद्देश्य जो है राज्य के हितों का संरक्षण करना है, इसलिए प्रत्येक राज्य को प्रभावित करने वाले मुद्दे में इसकी स्वीकृति होती है। यानी राज्य से रिलेटिव यहाँ पे जो भी कार्य होंगे वो कौन देखेगा, यहाँ पे राज्यसभा देखेगी। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। यहाँ पे लोकसभा का जैसे मैंने आपको बताया कि इसे 5 वर्ष के लिए यहाँ पे चुने तो जाते हैं, पर इसको बीच में से ही जो है अगर इसका कुछ असहमति लोगों की जाती है वहाँ के सदस्यों की तो उसे बीच में से इसे ख़त्म भी किया जा सकता है, पर राज्यसभा जो होती है यहाँ पे इसको भंग नहीं किया जा सकता और राज्यसभा एक स्थायी सदन यहाँ पे होती है। तो राज्यसभा का उद्देश्य राज्य के हितों का संरक्षण करना है, यानी कि राज्य के हित के लिए जो भी नीतियाँ बनाई जा रही है अब उसको कौन देखेगा, राज्यसभा देखेगी। और बिल के रिलेटिव जो भी कार्य हैं पैसों से रिलेटिव वो कौन देखेगी, लोकसभा। और राष्ट्रपति क्या करेगा, वो शासन करेगा। इन दोनों जगहों पर राष्ट्रपति का शासन होता है पर उसकी शक्तियाँ जो है संविधान के अंतर्गत सीमित होती है। तो ये आपको याद रखना है, ये तीनों कार्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके चैप्टर में से पूछे जाएंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसके अलावा होता है राज्य विधायिका। राज्य विधायिका जिसे हम जो है राज्य विधायिका के यहाँ पे 2 अंग वैसे माने जाते हैं, पर कहीं कहीं जो है इसको सिर्फ राज्य विधायिका होती है, एक सदन वाली भी होती है और इसको द्विसदनात्मक भी तब कहा जाता है, द्विसदनात्मक, जबकि ये राज्यपाल। और कहीं कहीं देशों में मतलब ऐसा है कि ये इसके 2 सदन होते हैं, विधानसभा या विधान परिषद, और कहीं कहीं सिर्फ राज्यपाल और विधानसभा भी होते हैं और कहीं कहीं सिर्फ राज्यपाल भी होता है। तो यहाँ पे राज्य विधायिका जो है इसके 2 अंग माने जाते हैं। और इसके जो अगर 2 अंग जो यहाँ पे माने जाते हैं, 2 सदन जो है वो है बिहार, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक और महाराष्ट्र और यूपी में जो है इसके 2 सदन होते हैं। बाकी सारे देशों में क्या है, राज्यपाल ही है, राज्य विधायिका ही है। तो राज्य विधायिका यहाँ पे जो है राज्य विधायिका मतलब एक सलाहकार की तरह काम करती है। यहाँ पे जो है जो भी सलाह देनी होगी और जो भी कानून बन के आ रहे हैं उनको बस ये एक बार देखती है, उसको सहमति देती है, यही तक जो है राज्य विधायिका के कार्य होते हैं। और राज्य विधायिका जो है 56 भाग 1 जटिल सूत्र के तहत अप्रत्यक्ष रूप से सुने जाते हैं। तो इसका अनुच्छेद 56 में इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इसके जो चुनाव होंगे वो अप्रत्यक्ष रूप से सुने जाते हैं, जिसमें कि शिक्षक, स्नातक और विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। तो ये सब जो है राज्य विधायिका के अंतर्गत आता है ये सब।
और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपसे इस चैप्टर में से पूछा जाएगा वो केंद्रीय विधायिका है, और राज्यसभा के बारे में अगर आपसे राज्य विधायिका के बारे में पूछा जाता है तो आपका जो है यहाँ पे दो सदन का यहाँ पे भूमिका होती है इसकी, जो है विधानसभा और विधान परिषद, और राज्य विधायिका जो है एक सलाहकार के रूप में यहाँ पे कार्य करेगी। और राज्य विधायिका जो है यहाँ पे इसके 56 में यहाँ पे बताया गया है कि इसके चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे होंगे। तो ये चीज़ें बस आपको जो है इसमें याद करने वाली है जो आपके चैप्टर में से आ सकती है। और केंद्र विधायिका की अगर हम बात करें तो केंद्र विधायिका में आपको राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा इन तीनों पर ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। विधायिका क्या होती है ये हमने जान लिया, और विधायिका के केंद्रीय विधायिका इसके अंतर्गत जो आती है वो पूछी जाती है, और राज्य विधायिका के बारे में आपको बताना है। इसके अलावा हम देखेंगे इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चैप्टर, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स जो आपको ये चैप्टर है काफ़ी शॉर्ट में यहाँ पे बताया है काफ़ी चीज़ें, क्योंकि जो है ये जो टॉपिक है आपका विधायिका का काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड होती हैं, पर मैंने जो ये टॉपिक बनाया आपका मास्टर पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग बनाया है, क्या क्वेश्चन उनके जो है सब्जेक्ट में आ सकते हैं, तो इस बिहाफ पे मैंने ये चैप्टर बनाया था, जो कि पूरा एक वीडियो में कवर नहीं हो पाया, इसलिए हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कुछ शामिल किए हैं यहाँ पे, जिसके अकॉर्डिंग जो है आपका पेपर बनेगा, और हर साल यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत में कार्यरत विधायिका के स्रोतों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स आपको स्रोत जो बताए हैं वो आपको याद रखने हैं। तो विधायिका के कौन कौन से स्रोत हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया, एक केंद्रीय विधायिका और एक जो है राज्य विधायिका, ये आपको याद रखना है। फिर इसके अंतर्गत भी इनके तीन यहाँ पे इसके अंतर्गत तीन लोग आते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और राज्य विधायिका जो है अपने आप में एक सलाहकार होती है वो, और इसके दो सदन होते हैं विधानसभा और विधान परिषद। तो आपसे अगर क्वेश्चन अगर बनेगा आपको स्रोतों के ऊपर बनेगा कि विधायिका के क्या स्रोत हैं, तो आपको ये जो है ये सभी स्रोत याद रखने हैं। और संसदीय कार्य के संरक्षण के रूप में लोकसभा राज्यसभा की भूमिका का विश्लेषण करें, यानी कि संसदीय कार्य के मतलब कि संसद का जो कार्य है उसके उसमें लोकसभा और राज्यसभा अपनी क्या भूमिका निभा रही है उसके बारे में आपको बताना है। तो मैंने आपका यहाँ पे बता दिया है लोकसभा के क्या कार्य हैं और राज्यसभा के यहाँ पे क्या कार्य हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में बन सकता है वो है विधायी प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका। राष्ट्रपति मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं वो मतलब राष्ट्रपति की जो है भूमिका विधानसभा में क्या होती है वो आपको बताइए, और इसके अलावा और भी चीज़ें जो है मैंने आपको जो है नोट्स में ये कवर करी हैं। नोट्स में मतलब कि आपको जो है फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगी, जो कि आपको स्टूडेंट्स हमारी डिमांड आएगी स्टूडेंट्स की, तो हम जो है आपको प्रोवाइड करेंगे, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं वो। तो नोट्स में जो है आपको इसकी फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी होगी। तो राष्ट्रपति की भूमिका इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये भी मैंने आपको बता दिया, और राज्य विधायिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इस तरह का क्वेश्चन जरूर बनता है। पूरी राज्य विधायिका जो अलग से एक टॉपिक है, यानी कि अलग से जो है इसका एक स्रोत है, इसके बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो ये पॉइंट आपको बताना है यहाँ पे। तो ये चार क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर बार रिपीट हो रहे थे, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपका पूरा जो है चैप्टर यहाँ पे तैयार किया था। इसमें पूरा ही कवर हो चुका है, इससे कोई भी क्वेश्चन आप बनता है तो आप उसे आसानी से दे देंगे। और स्टूडेंट्स आपको कुछ भी डाउट्स हैं वीडियो में तो आप जो है हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपको जो है अगर पसंद आया हो वीडियो तो आप लाइक करें, और आप हमें जो है इससे फुल नोट्स आप ले सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। नोट्स में जो है आपको हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का बनता है उसके अकॉर्डिंग सारी एक्सप्लेनेशन दी होगी, आंसर किस तरह से आप लिख सकते हैं, और जो है यहाँ पे जैसे पॉइंट्स में बताया वहाँ पे और भी पॉइंट्स आपके शामिल होंगे नोट्स में, तो ये आप हमसे ले सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर आपका कोई और टॉपिक हो आपका पॉलिटिकल साइंस का तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई और चैप्टर आप बनवाना चाहते हैं तो ये जो है आपका मतलब अगली वीडियो जो आपकी बनेगी वो आपके अगर कुछ डाउट्स होंगे उनसे रिलेटिव, और अगर आप कोई अगला चैप्टर बनाएंगे उनसे रिलेटिव। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।